चलिए बात करते हैं सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत में आज अहम दिन है। शरद पवार की अगुवाई में आज एनसीपी राज्यपाल से मुलाकात करेगी। एनसीपी के मुताबिक राज्यपाल से महाराष्ट्र के जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर आज 3 बजे का वक्त मिला है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक तीनों पार्टियों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन गई है और आज की मुलाकात में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। हालांकि ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि शिवसेना के साथ जाने से अभी भी कांग्रेस पार्टी हिचक रही है। इस तरीके की तस्वीर भी सामने आ रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सामना के जरिए बीजेपी पर शिवसेना ने किस तरीके से तंज कसा है, हमला किया है। दरअसल में सामना के संपादकीय लेख के जरिए बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है शिवसेना ने। राष्ट्रपति शासन की आड़ में घोड़ा बाजार की तैयारी अब हो रही है, ये निशाना जो साधा है बीजेपी पर। महाराष्ट्र में नई समीकरण जो बन रहे हैं उनसे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। 6 महीने सरकार न टिकने का श्राप दिया जा रहा है। सीधा हमला देवेंद्र फडणवीस पर। महाराष्ट्र का मालिक समझने की मानसिकता से बाहर आए। यहां पर बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश। सत्ता या सीएम पद के साथ कोई जन नहीं लेता। शिवसेना का मुखपत्र सामना, जिसमें सीधा हमला किया गया है भारतीय जनता पार्टी पर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया, जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज राज्यपाल से जो मुलाकात होनी है, क्या वो सिर्फ वाकई किसानों के मुद्दे पर होनी है या सरकार बनाने को लेकर कुछ पहल दिख सकती है? और जो जानकारी मिल रही है, कहीं क्या अभी भी कुछ हिचक है? देखिए, सरकार बनाने को लेकर तीनों ही पार्टियां आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार जरूर बनेगी। तीनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि भले देरी लग रही है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो हमने अपने अध्यक्षों को भेजा है उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो देरी लग रही है, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी और 20 दिन में बनेगी। ये भी कल जब मैंने एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक से बात की थी, उन्होंने कहा था करीब 20 दिनों का समय लगेगा और महाराष्ट्र में उनकी सरकार होगी। आज की अगर बात करें तो तीनों पार्टियों के नेता जो राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि यह सिर्फ किसानों के मुद्दों पर है, क्योंकि किसानों का जो नुकसान हुआ है उस पर राज्यपाल को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से तीनों पार्टियों के नेता एक साथ जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा एक संदेश दे रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक संदेश है कि बीजेपी जो लगातार अभी भी यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार होगी, चीजें बदल सकती है। नितिन गडकरी ने कल बयान दिया था कि क्रिकेट और राजनीति एक तरह का है, आखिरी ओवर में भी जो मैच है वो बदल सकता है। तो इन तमाम बातों को अगर ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक संकेत देने की कोशिश कर रही है। निशाना भी आज सामना के संपादकीय में छापा गया है और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो श्राप दे रहे हैं कि 6 महीने भी, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली है सरकार। लेकिन रवि, तीनों आश्वस्त जरूर हैं कि सरकार बन जाएगी, जल्दी ऐलान इसका कर दिया जाएगा राज्यपाल से मुलाकात के बाद, लेकिन कांग्रेस अभी भी हिचक रही है। क्या इसकी वजह हम यहां पर देखें और फिर ऐसे में क्यों ना माना जाए, या क्यों जिस तरह की बातें इस तरह से हो रही है कि 6 महीने से ज्यादा भी नहीं चलने वाली, वाकई में कैसे टिकेगी ये सरकार? बिल्कुल, देखिए हिमानी, और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस से कोई भी आला नेता इस मसले को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। कल सोनिया गांधी घर पर करीब 2 बार बैठक हुई थी महाराष्ट्र के मसले पर, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। हालांकि अभी बैठक चल रही है, कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। जहां तक हाईकमान की बात करें, इनके तरफ से स्टैंड क्लियर है कि पहले वो एनसीपी से बात करेंगे और उसके बाद शिवसेना से बात की जाएगी। शिवसेना को लेकर जो स्टैंड है पार्टी का, उसमें अभी भी दो फाड़ हैं, यूँ कह सकते हैं कि दो तरह के व्यू आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस सभी प्रभारी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उसमें इस पर भी चर्चा की जाएगी कि अगर हम शिवसेना के साथ जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस से मानती है कि शिवसेना एक रीजनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है, नेशनल पार्टी, और ऐसे में अगर वो किसी पार्टी से गठबंधन करती है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। और यही वजह आज एक बड़ी बैठक जरूर बुलाई गई है। जहां तक सरकार गठन को लेकर है, तो हाईकमान की तरफ से यही कहेगी, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ये नहीं कह रहा है कि उनकी बात हो चुकी है। उनकी तरफ से लगातार स्टैंड है कि पहले वो शरद पवार से कल बातचीत करेंगे, शरद पवार से बातचीत करने के बाद ही वो आगे शिवसेना से बातचीत करेंगे। तो जरूर कहा सकता है कांग्रेस के जो हाईकमान की तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं सरकार बनेगी। हालांकि प्रदेश के नेता की तरफ से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि उनकी बातचीत हो गई है, कॉमन प्रोग्राम बनाया जा चुका है। जी, वो तो पहले से ही लगातार ये कह रहे थे कि हमें शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे में तो पार्टी हो जाएगी, तो अगर मगर जो है वो अभी भी बना हुआ है। फिलहाल शुक्रिया रवि सिसोदिया, आपका भी इस्तेमाल जानकारी के लिए, और पंकज, आपका भी इस्तेमाल जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो पहली प्राथमिकता यहां पर कांग्रेस के सामने
एनसीपी है, उसके बाद शिवसेना। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।